हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम अभी वीटी स्टेशन पे है, तो मैं यहाँ से आपको गेटवे ऑफ इंडिया कैसे जाना है बताता हूँ। तो ये मेरे पीछे है वीटी स्टेशन, तो आप देख सकते हैं वीटी स्टेशन। तो अभी यहाँ से मैं गेटवे ऑफ इंडिया कैसे जाना है वो बताता हूँ। तो ये वीटी स्टेशन के ये साइड, मतलब जो अभी ये साइड जो है लोकल स्टेशन है। लोकल स्टेशन से जैसे बाहर पर निकलोगे तो उसके लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे उसका बस स्टॉप है। तो मैं वो बस स्टॉप की तरफ जाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कैसे जाना है। ये इधर वीटी स्टेशन का लोकल स्टेशन है। तो यहाँ से आप अगर बाहर आओगे लोकल स्टेशन से, तो फिर ये साइड इधर सामने बस स्टॉप है, तो मैं उधर बस स्टॉप की ओर जाता हूँ। ये वीटी स्टेशन के बाहर बड़ा सा शॉपिंग लगता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसका एक दिन अलग से बनाए। तो ये बाहर आते ही आपको ये बेस्ट का बस स्टॉप मिलेगा, जो सिटी बस होती है मुंबई की, वो मिलेगा। तो यहाँ से आप 118 नंबर की बस है, तो वो सामने खड़ी रहती है। तो ये पकड़ोगे, 6 रुपये लेती है। एसी बस होती है बेस्ट की, तो इससे अगर आप जाओगे तो 6 रुपये में आप गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच जाओगे। सॉरी, 116 नंबर बस होती है, 118 नहीं, 116 नंबर बस से आप जाओगे 6 रुपये में आप गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच जाओगे। सामने जो मेरी बस है, ये बस जाती है 116 नंबर की एसी वाली बस गेटवे ऑफ इंडिया। तो चलो हम बस में बैठते हैं। अभी हमारा ये बस जो है वीटी स्टेशन से निकला है। 116 नंबर का बस है, ये बेस्ट बस है मुंबई का। तो यहाँ से अभी हम 5 से 10 मिनट के बीच में हम गेट ऑफ इंडिया पहुँच जाएंगे। सो चलो हम चलते हैं। अभी हम लोग गेट ऑफ इंडिया के पास में पहुंच गए हैं। आप सामने देख रहे होंगे, ये बड़ा है ताज होटल है, नया वाला ताज होटल है। इसके बाजू में ही वो ताज होटल है, कनेक्टेड है पुराना वाला जो ताज होटल है। तो हमें आगे आगे आपको बताएगा सब। तो चलो हम अभी गेट ऑफ इंडिया जाते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ है, आज संडे है तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होता है यहाँ पे। डेली भी होता है, बट संडे, सैटरडे संडे थोड़ा ज़्यादा रहता है भीड़ यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं बड़ी होटल, ताज होटल, तो ये ताज होटल का आउटर एरिया है इधर। अभी हम गेट ऑफ इंडिया जाएंगे, फिर और वो सामने गेट ऑफ इंडिया दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ से गेट ऑफ इंडिया में एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे कुछ चेकिंग होता है, मतलब जो बैग्स होते हैं या कुछ सिक्योरिटी चेकिंग होता है, वो चेकिंग करके हम अंदर आ गए अभी। होता है बैग का, और ये आप अभी सामने देख सकते हैं पूरा एरिया भरा है। और ये सामने भी देखा आपने गेट ऑफ इंडिया, और उसके ही फ्रंट में ये ओल्ड वाला ताज होटल है। तो अभी हम पास में जाके देखते हैं गेट ऑफ इंडिया कैसा है। तो मैं नज़दीक जाके दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत भीड़ है, और स्पेशली सैटरडे संडे बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़। कभी कभी घुसने के लिए भी जगह नहीं होता है, मतलब इतना भीड़ होता है। गेटवे ऑफ इंडिया, ये गेट है, पूरी इंडिया के दुनिया भर से लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। ये है ताज होटल, द ताज, मुंबई का शान है ये एरिया सब, मतलब। आज संडे है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है संडे के दिन। आप ये जो लाइन में देख रहे हैं आप, जो रो लगी है, ये एलिफेंटा केव्स के लिए जाती है। यहाँ से एलिफेंटा केव्स के लिए 570 रुपये पर पर्सन लेते हैं जाने का, और आने मतलब रिटर्न का टिकट निकालते हैं यहाँ से, बोट से लेके जाते हैं। और कोई कोई मतलब यहाँ पे बोट राइड भी करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम गेटवे आए हैं।
धूप बहुत है यहाँ पे। ये जो रो है ये एलिफेंटा केव जाने वाली रो है। फिर यहाँ पे है समुंदर, हम समुंदर के पास भी जाएंगे। ये थंबनेल के लिए हम फोटो, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, और ये ताज होटल मुंबई। तो चलिए अब हम इस समुंदर देखते पास से। शायद एलिफेंटा केव जाने वाली रोड है। ये सब लोग जो यहाँ पे खड़े हैं ये एलिफेंटा केव जा रहे, वो उधर सामने बोर्ड गए, वो उधर जो दिख रहे उधर एलिफेंटा केव थे, वहाँ सामने जो बोर्ड जा रही है वो एलिफेंटा केव, जो आगे वाली बोर्ड, एक पूरे आगे वाली बोर्ड, वो एलिफेंटा केव जा रहे। ये जो लोग आए हैं अभी एलिफेंटा केव से, अभी ये उतरेंगे और ये लोग अभी जाएंगे बोट में, नए लोग ये सब। ये देखिए कैसे उतर रही है, लोग सब एलिफेंटा केव जाके आए हैं। वो डबल डेकर बोट आ रही है अभी नई वाली, दूसरी तरफ उधर। वो उधर देख रहे हैं आप, उधर वो एलिफेंटा केव जाएगी सब बोट है। वहाँ पे 570 रुपये टिकट एलिफेंटा केव का। आप गेटवे में आज संडे है तो आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत भीड़ होती है संडे के दिन। जनरली कोई भी आए तो जा रहे थे, मतलब छुट्टियाँ रही थी तो संडे के दिन ही आना पसंद करते हैं बहुत सारे लोग। हम देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कितना है, ये एलिफेंटा केव जाने के लिए भीड़ भी कितना है देखो। आप ये लाइट देख रहे हैं, ये सब नाइट में ऑन होते हैं, यहाँ पे लाइटिंग होता है, वो सब होता है यहाँ पे नाइट में।
अभी यहाँ पे ताज होटल भी है सामने, और यहाँ पे कबूतर खाना है, अभी है क्या कबूतर देखते हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। ये है बड़ा पूरा ताज होटल, ताज होटल थोड़ा पास से भी दिखाता हूँ बाहर जाके, मतलब वो रोड के उस पार है, तो अभी कबूतर खाना देख लो यहाँ पे। ये गेट ऑफ इंडिया में ये स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, तो ये आप स्टैचू देखो, ये गेट ऑफ इंडिया में स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू है। और अभी ये देख पाओगे आप, ये है मुंबई का द ताज होटल, बहुत लग्जरियस होटल है ये मुंबई का द ताज होटल, बहुत बड़ा होटल है, घूम जाएगा वापस। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप गेटवे ऑफ इंडिया कैसे आए, तो अगर आप वीटी स्टेशन पे हो और वीटी स्टेशन से अगर आ रहे हो, तो आप वहाँ से 116 नंबर की एसी बेस्ट बस है उससे भी आ सकते हैं, या फिर उसके ही बाजू में एक रिक्शा स्टैंड है, 20 रुपीज़ लेते शेयरिंग में, तो टैक्सी से भी आप आ सकते हो। गेटवे ऑफ इंडिया से ये बहुत पास है, 10 मिनट का रास्ता है खाली। सो अगर और कुछ आपको कुछ क्वेरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ मुंबई में, तो मुझे कमेंट में मैसेज करिए, तो मैं आपको आंसर दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। बाय।